अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह से दुआ है और उम्मीद है कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खैरियत से रहें और अल्लाह ताला आप सबके कामों में बहुत बरकत अता फरमाए, आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने व्यूवर्स की एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि डेलागोना कॉफ़ी बनाना सिखा दें प्लीज़, तो मैं आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने कैपाचिनो कॉफ़ी बनाई थी, तो आज उसी की क्रीम भी यूज़ करूँगी। तो उसकी क्रीम बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से क्रीम बनाने की रेसिपी देख लीजिएगा। तो फिर चलें बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ डेलागोना कॉफ़ी। इसके लिए मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें आइस क्यूब, आइस क्यूब डालने के बाद इसमें आप मिल्क ऐड करें, ठंडा मिल्क भी हमारा ठंडा ही है। इसके बाद अगर आपको शुगर ज़्यादा चाहिए तो आप मिल्क में पहले से शुगर ऐड कर दें और ये क्रीमी जो मिक्सचर मैंने बनाया है ये इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। और ये जब जो वो बर्फ है मेल्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता, तो ये इसके कलर जो है ना आप बहुत अच्छे आ जाएंगे। आप देखें ये कितना यमी लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा अंदर स्पून डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो ये दो तीन कलर इसके कलर जो है वो थोड़े से ब्लेंड होके बहुत अच्छे लगेंगे। ये हमारा डेलागोना कॉफी रेडी हो गया है। ये हमारी डेलागोना कॉफी रेडी हो गई है और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर देती हूँ। ये देखें इसके कलर देखें कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों देखें मैंने डेलागोना कॉफ़ी बिल्कुल बना के रेडी कर दिया है। ये बन गए हैं। इसमें मैंने आइस क्यूब डाला था और इस वाले में मैंने आइस क्यूब नहीं डाला, ये सिर्फ जो है ये कोल्ड ठंडा दूध है और इसके ऊपर मैंने क्रीम डाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।